ओम नमः शिवाय। दोस्तों आज हम बात करेंगे भगवान शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय के बारे में। ओम नमः शिवाय इस मंत्र को लेकर कहा जाता है कि इस मंत्र का मुकाबला दूसरा कोई मंत्र नहीं कर सकता। भगवान शिव का ये मंत्र बोलने में जितना आसान है उसका प्रभाव उतना ही गहरा और प्रभावशाली है। कई लोगों ने अपने जीवन में इसे खुद अनुभव किया है। ओम नमः शिवाय का अर्थ है भगवान शिव को नमस्कार। अब हम जानते हैं कि ओम नमः शिवाय किस किस ध्वनि को उच्चारित करता है और उसका प्रभाव क्या है। न ध्वनि पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है, म ध्वनि पानी का प्रतिनिधित्व करता है, शिवाय में शी ध्वनि अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है, वा ध्वनि प्राणवायु का प्रतिनिधित्व करता है, यह ध्वनि आकाश का प्रतिनिधित्व करता है और ओम में ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्ति का वास है। शिव पुराण के अनुसार ओम नमः शिवाय में भगवान शिव, श्री विष्णु, ब्रह्मा, माँ दुर्गा और गणेश जी शामिल है। शिव में संपूर्ण ब्रह्मांड शामिल है, इसलिए वो सर्वोच्च शक्ति है। अगर प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करते हो तो आप भी इसका प्रभाव अपने जीवन में अनुभव कर सकेंगे, क्योंकि इस मंत्र का जाप करने से स्वयं भगवान शिव जी आपके साथ जुड़ जाएंगे और इनकी आप पर विशेष कृपा होगी। और जिस पर भी भगवान शिव की विशेष कृपा होती है उसकी वो सारी मनोकामनाएं पूरी होती है जिसकी उसने कभी कल्पना की थी। भगवान शिव को महाकाल भी कहा जाता है, क्योंकि उनके मंत्र जाप से अकाल मृत्यु भी टल जाती है। जब मार्कंडेय जी ने भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया था तो मृत्यु के देवता काल भी उनके प्राण नहीं ले जा सके थे और उनकी अकाल मृत्यु टल गई थी। इस बात से आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि खुद मृत्यु के देवता भी इनके अधीन हैं। ये मंत्र आपके जीवन को नई दिशा देता है। जब आप इस मंत्र का जाप करते हो तब आपका तनाव और नकारात्मक ऊर्जा दोनों खत्म होने लगते हैं और शरीर में धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। ओम नमः शिवाय का जाप करने से मन शांत रहता है और जिसका मन शांत रहता है वो हर एक काम अच्छे से करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपको परमानंद की अनुभूति होती है। आप स्वयं में खुश रहने लगते हो और जो भी आपसे जुड़ता है वो भी खुश हो जाता है। मतलब इस मंत्र के उच्चारण से आप स्वयं भी खुश रहने लगते हो और दूसरों को भी खुशियां देते हो। दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।